हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा देवी लेटेस्ट कटिंग चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिंपल कुर्ती किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो हमें ये फ्रंट पार्ट अलग कट करना है और बैक पार्ट अलग कट करना है। दोनों पार्ट को हमें अलग अलग तरीके से कट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे कुछ इस तरीके से रखते हुए। अब हमें इसकी लेंथ रख लेनी है। तो लेंथ फ्रेंड्स आप अपने अनुसार रखते हैं, लेकिन हमें जो लेंथ चाहिए वो हम रखेंगे 37 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखते हुए अब इसकी लेंथ हमारी हो गई कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस तरीके से लेंथ रखने के बाद, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शोल्डर रख लेने हैं हमें 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, चेस्ट रखेंगे हम 36 1/4 में 9 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चेस्ट रख दी 36 के 9 इंच आएगा चौथाई में। तो इस तरीके से हमारी कमर है हमारी 30, तो आएगी फ्रेंड्स 7.5 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने हिप्स जो रखने हैं हमें चेस्ट के अनुसार रखने होते हैं। 36 रखे हैं चेस्ट, तो इतने ही इसके ही आकार में हमें हिप्स रखने होते हैं, यानी कि कुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखते हुए
देखिए फ्रेंड्स, सिलाई से संबंधित हर न्यू डिजाइनर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें। सिलाई से संबंधित हर न्यू डिजाइनर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से कुर्ती के चाक बनाते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें तुरपन करनी होती है तो लंबी चाल से करिएगा, और सिलाई ही रखनी है तो हमने मीडियम चाल यानी कि बारीक चाल ही रखनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती बनके यानी कि कुर्ता बनके तैयार है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई डिजाइन के साथ। तब तक के ओके बाय।